हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी वेबसाइट को आप ऐप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई वेबसाइट को आप बार बार ओपन करते हैं तो उसे आप ऐप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वेबसाइट को उसे आप ऐप में बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर इसी तरह के रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है और आगे भी होता रहेगा। तो और किसी भी बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं, तो मैं उस विषय पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइस चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर। किसी भी वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट करने के लिए कोई ब्राउजर को ओपन करेंगे तो मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। तो क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद गाइस यहां पर आप सभी को एक वेबसाइट का नाम लिख लेना है। तो मैं यहां पर एक वेबसाइट का नाम लिख लेते हैं टेकफिंज। जैसे इस वेबसाइट को मुझे ओपन करना है तो गाइस यहां पर टेकफिंज पर क्लिक कर देंगे। तो गाइस ये मुझे बार बार ओपन ना करना पड़े, इसको मैं ऐप में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो इस वीडियो में बने रहे। तो गाइस ऊपर में आप सभी को थ्री बिंदु का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहां पर आप सभी को ऐड टू होम स्क्रीन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर टेकफिंज लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देते हैं, मुझे नाम चेंज नहीं करना। तो गाइस यहाँ से अब मैं बाइक निकल जाते हैं, तो गाइस यहाँ से हम निकल गए। तो गाइस यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा टेकफिंज का मेरा ऐप यहाँ पर आ गया। तो जब भी मुझे कुछ काम करना पड़े तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं आ गया। तो गाइस इस तरीके से कोई भी वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।